हेलो डियर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुनील कुमार राव फ्रॉम वीना सुधाकर ओझा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे आई विल स्टडी मिक्सिंग इन डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। तो आइए हम लोग देखते हैं मिक्सिंग क्या होती है। यहाँ पे क्या काफी पढ़ रहे हैं, मिक्सिंग समझ रहे हैं कि क्या है। मिक्सिंग मतलब मिक्स करना, दो कंपोनेंट्स या फिर दो मटेरियल को आपस में मिक्स करना और उसे इंटेक कर लेना, मिक्सिंग कहलाता है। जैसे कहता है कि दारू और पानी को क्या करना, मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर पर हम क्या करेंगे, डिफिनीशन। पहले मिक्सिंग ऑफ टू या फिर मोर देन टू कंपोनेंट्स। मिक्सिंग क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, अच्छे से सेक कर लेते हैं। सेक करने के बाद आप उसको इंटेक कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कारण कि एग्जांपल में क्या करते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, दारू और पानी आपस में मिलाते हैं और उसको क्या कर जाते हैं, पी जाते हैं। तो क्या हुआ, दारू और पानी मिक्सिंग हुआ। दूसरे नंबर पे करें दूध, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी को आपस में मिक्स करते हैं। तीसरे नंबर पे करें एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। एपीआई मतलब क्या था, मेन ड्रग, और एक्सीपिएंट क्या होता है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब क्या है, एक्सीपिएंट है। इसको आपस में क्या करना है, मिक्स करना है, आपस में मिक्स करना ही मिक्सिंग कहलाता है। लेकिन ऐसी मिक्सिंग हो कि ड्रग की मात्रा क्या हो, एक समान हो सब जगह। जैसे हम नमक को सब्जी बनाते हैं या फिर नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, तो जो नमक की मात्रा है सब जगह एक समान होती है। ठीक, ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो बहुत कम लग रहा है, ठीक ना। सबको नमक की मात्रा क्या होती है, एक समान लगती है। वही होती है मिक्सिंग, दी प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इन द एक्सीपिएंट, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग। कि मिक्सिंग दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सिंग, दूसरा हेटरोजीनियस मिक्सिंग। होमोजीनियस मिक्सिंग क्या होता है, कि सॉलिड प्लस सॉलिड के बीच हो सकता है। सॉलिड प्लस सॉलिड मतलब एपीआई ड्रग आपका है और दूसरा क्या है, एक्सीपिएंट, वो भी क्या है, ड्रग है। तो दोनों सॉलिड पार्टिकल से एपीआई प्लस एक्सीपिएंट को आपस में मिलाते हैं। यहाँ पे टैबलेट की बात की जा रही है। तो क्या होता है कि दोनों सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होता है, इसको होमोजीनियस मिक्सिंग कहते हैं। दूसरा क्या करें कि लिक्विड प्लस लिक्विड के बीच, दूध में पानी मिला दो, लिक्विड लिक्विड हो गया। गैस प्लस गैस के बीच मिक्सिंग, जैसे इनहेलर लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, गैस उस रहता है, और उसमें क्या होता है कि गैस प्लस गैस के बीच जो मिक्सिंग रहते हैं उसको क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सिंग। नेक्स्ट क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सिंग क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। अभी सिंपल सिरप बना के चीनी और पानी लेते हैं तो सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस मिक्स। सॉलिड में क्या डाल दो, गैस डाल दो, सॉलिड गैस मिक्सिंग हो जाता है, हेटरोजीनियस हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड प्लस गैस मिक्सिंग। यहाँ पे कहना चाहता है कि लिक्विड प्लस गैस की इतने टाइप की ओवरऑल मिक्सिंग होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मिक्सिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है मिक्सिंग करने का। तो देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट क्या भैया, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म प्रॉपर मिक्सिंग। हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि टैबलेट जो बनाने जा रहे हैं उसमें प्लस एपीआई प्लस एक्सीपिएंट इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि एक समान मात्रा में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए ड्रग कंप्लीटली मिक्स्ड इन एक्सीपिएंट, ड्रग क्या अच्छे रूप से एक्सीपिएंट में मिल जाए, ये हमारा मेन टारगेट होता है। दूसरा टारगेट क्या है भैया, क्यों मिला रहे हैं, करेक्ट सम सेम प्रॉपर्टी। और हाँ, जब मिला रहे हैं तो वो जो ड्रग बन रहा है, जो टेबलेट बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। All tablet having same physical and chemical property, जैसे उसकी DT, friability, hardness, thickness। ऐसा नहीं कि एक टैबलेट का DT 10 आ रहा है तो दूसरे का 20 आ रहा है तो पहले का 5 आ रहा है, ऐसा नहीं। सबकी DT सेम होनी चाहिए, सबकी friability, सबकी hardness, सबकी thickness क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर मिक्स किए हो ना, इसलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक। और तीसरे नंबर पे क्यों मिक्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनहेंस द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए हम मिक्स करें कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छी होती है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या जाती है, अच्छी हो जाती है। यदि हम ड्रग को एपीआई में अच्छे से मिला देंगे तो क्या होता है कि पहली बात हमको लेने में आसानी रहेगी टैबलेट फॉर्म में, दूसरे नंबर उसकी बायबिलिटी बढ़ जाती है। बायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है उसकी बाइंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये सब क्या होता है, अच्छा हो जाता है। बाइंडिंग एजेंट उसकी मजबूती बढ़िया रहेगी, फ्लेवरिंग एजेंट उसमें फ्लेवर पड़ जाएगा तो देखने में सुनने में अच्छा रहेगा, लेने में अच्छा रहेगा। स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हैं भैया, लेने में सही रहेगा, अच्छा रहेगा।
डिसइंटीग्रेटिंग जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए हम ये सब ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। एपीआई में या फिर एक्सीपिएंट एपीआई में या फिर एपीआई एक्सीपिएंट में इसलिए ऐड किया जाता है, लेकिन एक समान रूप से ऐड करो, ठीक है ना, प्रॉपर मिक्स हो। एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग, क्यों मिक्स कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, जो हम एपीआई को एक्सीपिएंट में यूज करें, इसका मेन पर्पज जो है टैबलेट फॉर्मुलेशन में, टैबलेट बनाने में, दूसरे नंबर पर कैप्सूल फॉर्मुलेशन में, सिरप फॉर्मुलेशन में, इंजेक्शन ऑइंटमेंट इमल्शन सस्पेंशन, मतलब दवा बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं समझ में आया, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ऑइंटमेंट सिरप जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें हमको मिक्सिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे भी है, सीधी सी बात भैया, बिना मिक्सिंग का कुछ बनेगा नहीं और बिना मिक्सिंग का कोई प्रोडक्ट बनता भी नहीं जल्दी, ठीक। तो मिक्सिंग खास करके टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ऑइंटमेंट सिरप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि विदाउट मिक्सिंग यू कैन नॉट फॉर्म एनी डोज। हाँ सही बात है, आप बिना मिक्सिंग का कोई भी डोज नहीं बना सकते हो, ठीक। जब तक आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक मटेरियल दूसरा मटेरियल आपस में ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर उसको हम दे देते हैं कि जिससे कि अगले वाले बंदे को क्या हो जाए, लेने में आसानी हो और उसका जो भी रोग रहे ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मिक्सिंग, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे मिक्सिंग को अफेक्ट कर सकता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है भैया। करेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसे आप सॉलिड सॉलिड मिला रहे हो कि सॉलिड लिक्विड मिला रहे हो, लिक्विड 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 मिला, गैस गैस, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी उसकी नेचर को रखते हैं। दूसरा पॉइंट इस पर डिपेंड करता है पार्टिकल साइज, यदि ड्रग का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है तो भैया मिक्सिंग ढंग की नहीं होगी। पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तो मिक्सिंग क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा कि पार्टिकल साइज क्या होगा, छोटा तो मिक्सिंग अच्छा, अगर पार्टिकल साइज बड़ा तो मिक्सिंग खराब। नेक्स्ट पॉइंट करें पार्टिकल शेप शुड बी यूनिफॉर्म, पार्टिकल का शेप क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, अगर एक समान पार्टिकल का साइज रहेगा तो उसको मिलाने में क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन किसी का बड़ा साइज है किसी का छोटा साइज, तो आपस में मिलाओ तो सब लोग दिखने लगेंगे, अगर एक साइज के रहेंगे तो कोई दिख ही नहीं पाएगा भैया कौन है, ठीक है ना। एक साइज के बच्चे रहेंगे तो अपने बच्चे को पहचानने में दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करें पार्टिकल चार्ज, हाँ यदि आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर पार्टिकल चार्ज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर पार्टिकल का चार्ज अगर न्यूट्रल है तो मिक्सिंग अच्छी होती है, यदि पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव निगेटिव है तो इंट्रैक्शन होने लगता है, इसलिए चार्ज न्यूट्रल रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट करें डेंसिटी, पाउडर की डेंसिटी हमेशा लो रखेंगे तो मिक्सिंग क्या होती है, अच्छी होती है, यही है ओवरऑल मिक्सिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन मोटिवेट हो और आगे वीडियो बनाते रहें, ठीक, धन्यवाद।